साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज तक ऐसे कभी अपन ने टॉपिक पे बात करी नहीं। एक कंट्री के काफी सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो मैं सोचा चलो कुछ इंक्वायरी आप लोगों को दे दी जाए, क्योंकि इस नाम से अजरबैजान एक कंट्री है। नाम देखो अजरबैजान, यानी आदमी का नाम है सेम, ऐसा ही लगता है। काफी सारे ऑफर लेटर मेरे पास आ रहे हैं एजेंटों ने। क्या होता है कि लोगों को लगने लग जाता ना कि इस कंट्री का अभी इतने लोग अपने पास कमा रहे, तो नई कंट्री खोज लेते हैं। फिर नई कंट्री के नाम से लोग भी मिल जाते हैं, बेवकूफ बनाने वाले भी मिल जाते हैं। तो आज मैं कंट्री की बात करूंगा, अजरबैजान कंट्री। जी हाँ साथियों, ये कंट्री पहले नहीं हुआ करती थी, एक रूस का ही भाग हुआ करता था। रूस विघटन में ये कंट्री अलग अपना एक टुकड़ा होके अलग अपना नाम रख लिया अजरबैजान। ये एक मोमडन कंट्री है, ठीक है साथियों। कंट्री बड़ी शानदार है, सुंदर है। सुंदरता के कारण वहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं। लोग भी वहां के बोलते हैं कि हेल्पफुल है, यानी कई बार बोलते हैं ना कि यार ये तो बड़े लड़ाकू आदमी है। उधर के लोग बड़े हेल्पी होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है साथियों। और मैं बता दूं कि आपको लोगों को खास बात यह है भैया कि अजरबैजान में सबसे कम जॉब है, इस बात का ध्यान रखें, माइंड में बिठा लें। क्योंकि मेरे पास जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि एजेंटों ने नया रास्ता ढूंढ लिया अजरबैजान के नाम से ठगने का। वहां पे बिजनेस आप कर सकते हो, बिजनेस के मामले में ठीक अजरबैजान सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये यहाँ पे या तो आप बिजनेस करो या टूरिस्ट वीजा, आप टूरिस्ट वीजा में जा सकते हो, या फिर आप स्टूडेंट वीजा पे एजुकेशन से रिलेटेड वहां पे जा सकते हो, फिर आप वर्क परमिट लगवा के फिर आप जॉब कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली आप अगर जॉब से रिलेटेड जाते हो तो सबसे कम जॉब अजरबैजान में आपको मिलेगा, यानी नए के बराबर, ये मान के चलिए। करेंसी की बात करें तो वहां पे जैसे इंडियन रुपीज होता है, वहां पे मन्नत होती है। एक मन्नत का इंडियन रुपीज 44 रुपीज के लगभग होता है, यानी करेंसी बहुत अच्छा है मन्नत का। क्योंकि रूस का भी अच्छा है तो फिर वो तो उसी का भाग हो गया, तो 44-45 रुपए एक इंडियन रुपीज का बन जाता है। अगर आप विजिट वीजा में वहां पे जा रहे हैं तो ई वीजा आप ले सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप खुद भी लेना चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म भर के 2-4 दिन में आपका वीजा आपको मिल सकता है। 1 मंथ का वीजा अगर आप लेते हैं तो आपको 2000 रुपए तक आराम से आपको वीजा एक 1 मंथ का मिल सकता है। 1 मंथ आप स्टे वहां पे कर सकते हैं, लेकिन वीजा महंगा सस्ता है, लेकिन टिकट भाई महंगा पड़ेगा। क्योंकि दूर का थोड़ा रास्ता है तो टिकट 18-22 हजार रुपए की इसकी पड़ जाती है। इसको कैलकुलेट करें कि जैसे आपका वीजा, आपका रहना, आपका टिकट वगैरह, तो 50-60 हजार में आप एक महीने तक आराम से निकाल के आ सकते हैं। लेकिन जॉब से पर्पज आप ये सोचते हो कि यहाँ से परमिट में चले जाए, वहां पे जॉब मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा देख लीजिए भाई। जॉब सबसे, मैं बोल रहा हूँ सबसे कम जॉब है, जॉब मिल जाता है लेकिन बहुत कम चांस में। बाकी आप बिजनेस से रिलेटेड अजरबैजान सस्ता पड़ता है। अगर आपके पास इंडिया के 10-15 लाख हैं तो वहां पे आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट वीजा पे वहां जाके आप अपने हिसाब से आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं, वर्क परमिट वहां पे लगवा सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उसमें अलग कभी दोबारा अपन बात करेंगे। तो आज मेरा सिर्फ मोटिवेट था कि सिर्फ थोड़ी सी जानकारी आपको दे दे, ताकि अजरबैजान के नाम से कोई एजेंट आपको बताए तो ये चीजें होती है, नहीं कि वो बताएं वो होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे ऐसे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।